अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एलएलबी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और पॉन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बेसिकली अगर इसको आप आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें, आसान अल्फाज में ये है कि जो बंदा गिरवी रखता है अपनी चीज़ें, जाके किसी बंदा एज अ सिक्योरिटी रखता है कि यार तुम मुझे इतना लोन दे दो या मुझे कुछ पैसे दे दो या मुझे कोई चीज़ दे दो या कोई प्रॉमिस वगैरह कोई ऐसा ले लेता है तो ठीक है। द बेलमेंट ऑफ द गुड्स, हमने बेलमेंट का पता था, बेलमेंट क्या होती है कि अपनी जब चीज़ कोई दे दी जा रही होती है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट, एज अ सिक्योरिटी दे जा रही होती है। जैसे कि अभी आपने किसी बंदे को जाकर अपना मोबाइल दे दिया, आपने कहा कि मेरा मोबाइल रख लो और मुझे इतना डेब्ट दे दो, मुझे इतना लोन दे दो, जब मेरे पास पैसे हुए मैं तुम्हें पैसे ला के दे दूँगा और तुम क्या करना कि मुझे वो ना दे देना, मुझे अपना मोबाइल मेरा वापस कर देना, ठीक है। डेब्ट और परफॉर्मेंस और प्रॉमिस, और किसी कोई आपने कहा कि परफॉर्मेंस, आप जाएँगे कहीं कि यार ये जो है ना कोई प्रॉपर प्रॉमिस कोई परफॉर्म कर दें फिर मैं बाद में आपको जब होगा तो आप बेशक, इज कॉल्ड अ प्लेज, ठीक है, ये प्लेज कहते हैं। ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर, प्लेज के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपका पोजेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है, ऑनरशिप आपकी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। द पर्सन ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, जो बंदा पोजेशन ट्रांसफर कर रहा होता है ना, जो बंदा पोजेशन दे रहा होता है उसको हम कहते हैं पॉनर है या प्लेजर, प्लेजर है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी बंदे को अपनी चीज़ रखवाने की हूँ तो मैं प्लेजर हूँ, और जो बंदा मेरी चीज़ ले रहा है, जिसकी पोजेशन ले रहा है वो बंदा, वो होगा प्लेजी उसको कहेंगे या उसको पॉनी कहेंगे, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लेज, प्लेज के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से, देयर शैल बी अ बेलमेंट ऑफ द सिक्योरिटी अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है, एक होनी चाहिए बेलमेंट होनी चाहिए चीज़ के सिक्योरिटी पेमेंट के लिए, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्लेज इज गुड्स, ठीक है, गुड्स होने चाहिए, कोई गुड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, गुड्स प्लेज शैल बी इन एग्जिस्टेंस, और वो आपकी जो चीज़ आप दे रहे हैं ना उसको वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ये नहीं कि आप मुझे भी पैसे दे रहे हैं मैं आपको चीज़ बाद में ला के दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी, ठीक है, जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स होने चाहिए प्लेजर से लेकर प्लेजी के पास। देयर शुड बी नो ओनली ट्रांसफर ऑफ, नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होनी चाहिए। राइट ऑफ पॉनी, अब जो बंदा आगे जो है कि जिस बंदे को आप दे रहे होते हैं तो चीज़ उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, सबसे पहले उसके पास राइट है कि वो अपने पास उसको रिटेन कर सकता है, अपने पास उसको रख सकता है, ठीक है, अनटिल जब तक आपने उसको पे नहीं किया, ठीक है। राइट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज, अगर उससे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज आए हैं उसके ऊपर रखने के ऊपर, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ थी, द पॉनी हैज़ अ राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, अगर उसने प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आपने किसी को कोई आम की पेटी या ऐसे कोई फ्रूट वगैरह दिया, ठीक है, तो उसके लिए अगर किसी बंदे को मतलब रखने के लिए उसको फ्रिज भी चाहिए होगा, फ्रिज पर उसके बिजली के एक्सपेंसेज आए वो भी आपसे ले सकते हैं। However, he has not right to retain the goods in case of non-payment. अब उसको ये राइट नहीं होता कि वो अपने पास रिटेन कर ले, पर वो सिर्फ उसके पास ये राइट होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर कोई अगर एक्स्ट्रा ये नहीं होगा कि अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस उसको नहीं दिए तो अपने पास अपनी चीज़ रख नहीं सकता, आपको सिर्फ सू कर सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, एक ओनली सू रिकवर, ठीक है, उनको रिकवर करने के लिए आपको कोर्ट में सू कर सकता है। पॉनी एक राइट्स वेयर पॉनर डिफॉल्ट, अब जहाँ पे पॉनर डिफॉल्ट कर जाता है वहाँ पे पॉनी के क्या क्या राइट्स होते हैं। वेयर द पॉनर फेल्स टू रिट्राइव हिज प्लेज, ठीक है, जहाँ पे पॉनर फेल हो जाता है कि अपनी चीज़ वापस लेने के लिए, ठीक है, द पॉनी कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग राइट्स, उसके ये फॉलोइंग राइट्स हैं, ठीक है, ही मे फाइल सूट, ठीक है, फाइल सूट कर सकता है अगेंस्ट अ पॉनर अपॉन द डेप्ट और प्रॉमिस मे रिटेन द गुड्स प्लेज, ठीक है, कॉन्ट्रारी सिक्योरिटी, जो इसकी सिक्योरिटी के लिए चीज़ ली होती है उसके लिए उसका एक सूट फाइल कर सकता है। ही कैन सेल द गुड्स, उसको सेल कर सकता है जो प्लेज हुए थे आफ्टर गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस, पर उससे पहले उसने एक रीजनेबल नोटिस दिया हो कि यार अगर तुम अभी तक उसको रिट्राइव नहीं करोगे, अपनी चीज़ें वापस नहीं लेके जाओगे तो मैं तुम्हें क्या जो है मैं तुम्हें इनको सेल करने लगाऊँ, ठीक है। ही कैन रिकवर फ्रॉम द पॉनर एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी है, मतलब उसने चीज़ बेची, उसने जब ली थी तब तो वो चीज़ सोने की प्राइस बहुत ऊपर थी, ठीक है, पर जब उसने जब बेचने लगा तो सोने की प्राइस नीचे थी तो उसकी कम पैसों में बिकी है, और उसने जो कर्जा दिया था वो ज़्यादा था, तो उसने उसको डेफिशिएंसी हुई है वो उसने वहाँ से उससे ले लेनी है, ठीक है, जो जिस बंदे का गुड्स आपने रखवा के गया था उससे। बट इफ देयर इज एनी सरप्लस ही मस्ट पे टू पॉनर, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब उसने जब सोने की ले थी जब चीज़ वो उसने उसका पोजेशन लिया था जिस चीज़ का, तो तब उसकी जो प्राइस थी मतलब गोल्ड की तब कम थी, अब जब बेचने गया तो ज़्यादा, जो ज़्यादा पैसे होंगे वो उसने वापस करने हैं जिस बंदे के वो गुड्स थे, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ द पॉनर, पॉनर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, सबसे पहले टेक रीजनेबल केयर, उसने रीजनेबल केयर करनी है, डू नॉट यूज़, उसको आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, और जब तक तब तक अगर ऑनर ने आपको ऑथराइज कर दिया कि आप यूज़ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। डू नॉट टू मिक्स, अगर अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं उसको कर लेना, रिटर्न द गुड्स, जब अगर ऑनर आ जाता है और वो आपको दे देता है वापस चीज़ें तो उसने वापस कर लेना है, ठीक है। द रिटर्न द गुड्स, ठीक है, रिटर्न इंक्रीज इन गुड्स, अब किसी बंदे ने मतलब अपने कोई जानवर वगैरह रखवा के गया हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ बाद में जब वो वापस लेने गया तो उस जानवर का कोई बच्चा वगैरह कोई ऐसी भी चीज़ थी तो वो जो प्रॉफिट उसको वहाँ से हुआ है या कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो भी उसने वापस को वापस करनी है, ठीक है। नॉट टू डू, अगर कोई वायलेशन वगैरह किसी कॉन्ट्रैक्ट की नहीं करनी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी प्रोविजन की, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ ऑनर, अब ऑनर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, जो बंदा अपनी चीज़ दे रहा होता है उसकी क्या क्या ड्यूटी है। ड्यूटी टू पे द लोन, उसकी ड्यूटी होती है कि उस लोन को पे करे एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ड्यूटी टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेज, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेज आए तो उनको पे करे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था प्लेजर प्लेजी का, आप कह सकते हैं पॉनर और पॉनी, इनकी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।